तो हमारी इस यात्रा की शुरुआत हुई थी अहमदाबाद जंक्शन से, जहां हम लोग अहमदाबाद जम्मू तवी एक्सप्रेस में अपने सफ़र को तय कर रहे थे। रास्ते में सफ़र शुरू होते ही साबरमती नदी को हम लोगों ने पार किया और बढ़ गए इस सफ़र में आगे की ओर। देखते ही देखते दोपहर में गुप्ता जी की थाली जो है वो आ चुकी थी, जो कि काफ़ी ही स्वादिष्ट थी। अब इस सफ़र के दूसरे पड़ाव की बारी है, लेकिन इससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि हम लोगों ने पिछले पार्ट में अरावली के खूबसूरत पहाड़ों को पार किया था। उसके बाद मारवाड़ की ढलती हुई शाम में हम भी ढल चुके थे और कुछ ही समय में हमारी ट्रेन पाली मारवाड़ भी पहुंच चुकी थी, जहां शाम की चाय हम लोगों ने एंजॉय की और फिर खूबसूरत सी सनसेट को देखते हुए सन सिटी जोधपुर की ओर बढ़ चुके थे। अब वहां पहुंचने के बाद मंजर कुछ ऐसा था कि डिनर वगैरह हमने वहीं से कलेक्ट किया। जोधपुर पे हमारी ट्रेन के पास इतना समय था कि हम आसानी से पूरे प्लेटफॉर्म में ढूंढ ढूंढ करके खाने पीने की चीज़ें एकत्रित कर रहे थे और यहाँ पे पर्यावरण हितैषी काउंटर्स भी बने हुए थे जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत थे। और फिर बढ़ चले हम लोग बीकानेर जंक्शन की। फाइनली डीजल हब बीकानेर में हमारी ट्रेन पहुँचते हुए रात के 1 बजे। तो यहाँ पे वैरायटी देख लो भाई, नमकीन में इतनी सारी वैरायटी। हम लोग बीकानेर पहुँचे रात में, तो देखते हैं भाई स्वाद कैसा है। बीकानेर पहुंचने में इतना समय हो चुका था कि अब बारी है सोने की, क्योंकि कल सुबह पंजाब में हमारी जब एंट्री होगी तो भटिंडा जंक्शन से आप लोगों से मुलाकात करनी है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अपने दिन की शुरुआत होती है भटिंडा से। 7:45 का यहाँ पे अराइवल था और 7 बजे ही गाड़ी यहाँ पहुँच गई थी। हम लोग तो सोए हुए थे, जस्ट यहीं पे नींद खुली है, बाकी ब्रश वगैरह करके फ्रेश अप होकर तैयार है आगे की जर्नी के लिए। और भयंकर ठंड है, मतलब फाइनली बिना जैकेट के काम नहीं चलेगा, लेकिन निकल आए भाई टेस्टिंग के लिए। बाकी मन कर रहा है चाय का कप पकड़ने, मतलब ये जो फील है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ठंड का जो मौसम है सबसे सही लगता है, क्योंकि इसी में अपने को वो मौका मिलता है कि चाय का कप की तलाश हो, खाना पीना ढूंढने निकले हैं। बाकी यहाँ पे छोले भटूरे सुबह से ही मिल रहे हैं, संदीप भाई का मन होगा तो ट्राई करेंगे। मैं तो निकल रहा हूँ चाय की तलाश में और वाकई में वेलकम टू पंजाब अब फील हो रहा है। अहमदाबाद में गर्मी थी भयंकर और यहाँ पर भयंकर ठंड, मज़ा आ गया। बाकी सनराइज बहुत ही खूबसूरत हुआ है और चाय पीने के बाद अब फील हो रहा है कि फिंगर्स हमारी जिंदा है। अभी तक दरवाज़ा पकड़ते हुए नहीं हो रहा था ट्रेन का। और एक चीज़ बताऊं, मतलब लगभग 1 साल हो गया उसके बाद वो फीलिंग आई है कि ब्रश करते टाइम फील नहीं हो रहा था मुँह में ब्रश। और एक और चीज़ क्या ध्यान दिया कि चाय कैसी है, खराब अच्छी है, बस फील ही है। वैसे यहाँ से बहुत सारे रूट्स गए हुए हैं, सिरसा के लिए, फिरोजपुर के लिए, हनुमानगढ़ के लिए, साथ साथ जखाल के लिए। और हम लोग बढ़ने वाले हैं अभी फिरोजपुर कैंट वाली लाइन की ओर, दिल्ली वाली लाइन, फजिलका लाइन, मतलब बहुत बड़ा जंक्शन है। और एक चीज़ आपको जान करके हैरानी होगी कि जब ये मीटर गेज का जंक्शन था ना, तभी एशिया का बिगेस्ट मीटर गेज जंक्शन हुआ करता था भटिंडा जंक्शन, है ना कमाल की बात। और यहाँ पर हमारी ट्रेन अच्छे खासे हॉल्ट पर रुकी है, बस जल्दी से चाय पिया जाए, मिलता हूँ आप लोगों से डिपार्चर पे। बहुत सारा ये जो रूट है ना आज हमारे लिए नया होने वाला है, आज तक मैं इस रूट पर कभी नहीं आया हूँ, भटिंडा से फिरोजपुर जालंधर वाला, तो आज हम लोग इस रूट को कवर करने वाले हैं वो भी डिटेल में, मज़ा काफ़ी आएगा। इस वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिएगा। तो यहाँ 7:45 मतलब बिल्कुल राइट टाइम हमारी जो ट्रेन है भटिंडा जंक्शन से निकल रही है। दिन की शुरुआत यहीं पर हुई थी और लेकिन एक चीज़ है, अभी तक क्या हुए सभी स्टेशन में सबसे ज़्यादा मज़ा भी मुझे यहीं पर आया, क्योंकि ठंड जो है वो कमाल की है।
बठिंडा जो है कि इंडस्ट्रियल शहर है, मतलब यहाँ के शॉल्स वगैरह बहुत ही फेमस है, बाकी यहाँ के जो बाकी इंडस्ट्रीज हैं, हैंडलूम इंडस्ट्रीज वगैरह, वो भी काफ़ी फेमस है लुधियाना की तरह ही। अगर आप लोग यहाँ से हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर कि पंजाब में डिटेल में ये मेरा पहला वीडियो होने वाला है। मोहन प्यारे दोनों सो रहे हैं अभी तक। सौरव दादा, श्रेयान दादा, पे लुधियाना के एल्को ट्विन से शायद कोई पैसेंजर गाड़ी है, वहाँ ट्रेन एक छोटे से स्टेशन में रुकी आके तो देखने को मिले। कोटकपुरा जंक्शन से निकल रहे हैं और ट्रेन यहाँ पे मात्र 2 मिनट के लिए रुकी है। सामने श्री कृष्ण मंदिर भी है, श्री कृष्ण दर्शन हुए, उसके बाद यहाँ से एक वैसे लाइन फजिलका की ओर निकल जाती है, इसलिए इसे जंक्शन कहा जाता है। बठिंडा स्टेशन में भी वन स्टेशन वन प्रोडक्ट वाला जो सरकार की जो पहल है वो देखने को मिल रही है। पानी ऐसी चीज़ें यहाँ स्टेशन में अवेलेबल नहीं है, तो आपको बठिंडा से ही कलेक्ट करनी पड़ेगी आपकी जर्नी के दौरान, वरना आगे आने वाले बड़े स्टेशन जैसे फिरोजपुर, वहाँ पर आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। चलिए देखते हैं वैसे अगले स्टेशन में ये चीज़ें हैं कि नहीं अवेलेबल। दिलका वाली जो लाइन है लेफ्ट साइड निकलते हुए हमसे अलग, हम लोग फिरोजपुर वाली लाइन पर बढ़ते हुए, ऐसा लग रहा है मीटर गेज के रेलवे स्टेशन में एंट्री हो रही है। चाय की तलाश में फिर से उतरो, फिर से निराशा हाथ लगी। दूर दूर तक कुछ नहीं है। के बारे में कहा ही जाता है कि यहाँ पे एक रहस्यमय बाबा थे, जब यहाँ के फोर्ट का जो निर्माण चला था ना तब वो वहाँ पे काम करते थे, लेकिन माना ही जाता है कि जब वो वजन उठाते थे तो वो हवा में रहता था, मतलब गैप रहता था सिर से वजन के बीच में, और उन्हीं की ये जो उनकी श्रद्धा है उसे देख करके वहाँ के राजा ने इस जगह का नाम जो है फरीदकोट रखा था। बाकी यहाँ पर हमारी ट्रेन मात्र 2 मिनट के लिए रुकने वाली है, पता नहीं रुकी जा दे रहे, इसलिए मुझे लग रहा है शायद कि यहाँ सिग्नल लाइन क्रॉसिंग हो, पर बोलते ही हो गया सिग्नल ग्रीन। चलिए चलते हैं, देखते हैं यहाँ से डिपार्चर। लग रहा है स्टेशन छोटू सा, फाइनली हमारी थार एक्सप्रेस अभी कराची एंटर कर रही है। और फिर कराची से कहाँ जाओगे? रावलपिंडी, पिशावर, पिंडी छोले खाने, कराची पिशावर जाएंगे। नो वायर जोन अटारी बॉर्डर पार करते हुए सपने रह गए यार ये सब। जब भी फिरोजपुर या ऐसे बॉर्डर एरियाज में आना तो बस यही सब फीलिंग आती है, किस दिन वो दिन आएगा जब हम लोग को पाकिस्तान की ट्रेन जर्नी करने को मिलेगी यार। वैसे 9:40 का अराइवल टाइम था फिरोजपुर का और 9:25 पे हम लोग एंट्री कर रहे हैं फिरोजपुर कैंट पे। फिरोजपुर में आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे साथ। आप लोगों ने केसरी मूवी देखी होगी, वो केवल एक मूवी मात्र नहीं थी, यहाँ की ही कहानी थी जिसे आप लोगों ने मूवी के जरिए देखा और सुना। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, भगत जी, सुखदेव, राजगुरु, इन सभी लोगों की अस्थियों को भी यहीं सतलुज नदी में ही प्रवाहित किया गया था।
सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है। भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ ना, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव इसी क्षेत्र को हुआ, यहाँ के लोगों को हुआ। सोचिए कि अगल बगल दो घर बने हैं, मतलब एक तरफ आपका घर, एक तरफ आपके चाचा का घर है, और अचानक से लाइन खिंच जाए, सीमा रेखा खिंच जाए। बहुत सारे लोगों ने जाने गंवाई, बहुत सारे लोगों ने अपना घर बार ज़मीनें खोई, लोगों के हालात अचानक से बदल गए। कोई इस तरफ अमीर था तो जब भारत आया तो रेफ्यूजी कैंप्स में रह रहा है। ये स्थिति थी उस समय की, मतलब सोच के ही काफ़ी अजीब सा लगता है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, फिरोजपुर कैंट को आप शहीदों की धरती गर्व से कह सकते हैं, काफ़ी कमाल की जगह है। अब बाकी बात करते हैं हमारे ट्रेन के हिसाब से, तो खाने पीने की चीज़ें स्टेशन में पेटीज़ वगैरह सभी चीज़ें अवेलेबल हैं, चाय वगैरह आपको मिल जाएंगी। मेरी तरफ से सलाह ये है कि भाई खाना पीना यहीं से आप उठा लो, आगे भरोसा नहीं है। खाना क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, जो भी है पेटीज़ वगैरह चाय वगैरह स्नैक्स वगैरह बिस्किट वगैरह जो आप खा सकते हो यहाँ से स्टेशन से खा लो, क्योंकि इसके बाद सीधा जलंधर कैंट या जलंधर सिटी में ही जाके आपको छोले कुलचे मिलेंगे। बाकी मैं रूट कवर कर ही रहा हूँ, कुछ अगर दिखता है मैं आपको वो ज़रूर दिखाऊंगा। हमारी लोकेशन देख लो, एकदम पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल करीब है, मतलब अगर चलना है चाय पीना तो चला जा सकता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल करीब हम लोग पाकिस्तान बॉर्डर से। और यहाँ पे हमारी ट्रेन का जो लोकोमोटिव है ना, वो रिवर्सल के लिए तैयार है, जिसे यहाँ पे लगाया जाएगा। अभी मैं अभी लोकोमोटिव का रिवर्सल देखने आया था, हम सभी लोग आए थे एक्चुअली ट्रेन के एंड में, तब मैंने देखा कि मैप में हम लोग बॉर्डर के बिल्कुल ही करीब हैं। अमृतसर तो खैर है यहाँ से पास, लेकिन हम लोग थोड़ा घूम फिर के जलंधर तरफ से जाने वाले हैं, लेकिन यहाँ से पाकिस्तान का डायरेक्ट जाना होता तो यार मज़ा ही आ जाता, बिल्कुल करीब है लाहौर भी। और ये सभी चीज़ें मतलब देख करके काफ़ी अजीब भी लगता है और अच्छा भी लगता है कि मतलब एक समय पे ये भारत का हिस्सा था, भारत पाकिस्तान एक थे, अभी विभाजन हो गया, उसकी वजह से कई लोगों का नुकसान हुआ, चीज़ें ख़राब हुई, लेकिन फिर भी एक दूसरे के कितना करीब हैं दोनों देश। यहाँ फिरोजपुर से डेमो ट्रेन का भी जो डिपार्चर है वो हो रहा है, ये शायद भटिंडा लाइन की ओर जाने वाली है जैसा सिग्नल देख करके मुझे लग रहा था। काफ़ी रंग बिरंगे कोचेज लगे हैं, एक तरफ ऑरेंज और फिर से मिक्स, फिर से दो ऑरेंज कोचेज। इसका जो लुक था वो भी काफ़ी यूनिक सा था, फ्रंट लुक, अब देखते हैं बैक लुक कैसा है। बैक लुक भी थोड़ा अजीब सा ही है। रिवर्सल के लिए लोकोमोटिव जो है वो अच्छे हैं। एल्कोट ट्विंस लेकर के जाने वाले हैं अब यहाँ से हमारी ट्रेन को आगे के सफर में, और अहमदाबाद से यहाँ तक सिंगल एल्को लेकर के आया था वो भी बतवा शेड का, और यहाँ से लुधियाना के एल्को ट्विंस। चलिए चला जाए कुछ खाना पीना कलेक्ट किया जाए, क्योंकि टाइम जो है काफी रेसी है। हाँ, लेकिन पेटीज जो है वो जरूर ट्राई करना चाहूंगा, संदीप भाई ने ट्राई किया उन्हें पसंद आई है, उनकी रिकमेंडेड चीज़ है, तो भाई देखना पड़ेगा कैसा स्वाद है। मुझे एक और चाहिए, ले लो क्या? बहुत बढ़िया यार, सच में उधर से बहुत ही बढ़िया वाकई में यार। नॉर्मली झांसी वगैरह में मैंने पैटीज़ खाई है तो ऐसा लगता है ऐसे सड़ गई हो ना केमिकल की बनी हो, और यहाँ पे एक्चुअली में ओरिजिनल स्वाद आ रहा है, आप करीब से देखोगे तो आप समझ पाओगे। ब्रेकफास्ट पॉइंट बनाने लगेगा, और ठंड में पेटी समोसे और चाय अलग लेवल कॉम्बिनेशन। मिलता हूँ आप लोगों से डिपार्चर पे। गरम गरम मौसम में पेटीज और इन चाय ढूंढ रहे थे भटिंडा के बाद उठे हैं, तो अब सीधा जाके फिरोजपुर में मिली। क्या संदीप उधर कुछ कुछ खास है क्या? शहीदों की धरती इसको बोली जाती है, बना हुआ है शहीदों की धरती को प्रणाम। जो बात मैं आपसे कह रहा था देखिए वो भी बनी हुई है। फाइनली एक अच्छे खासे हॉल्ट के बाद, यानी फूडी हॉल्ट के बाद हम लोग फिरोजपुर कैंट से निकल चुके हैं। दोस्तों यहाँ हम लोग आए थे सामने भटिंडा वाली लाइन से, वो आप देख सकते हो, और बाकी हम लोग फिरोजपुर पे रिवर्सल लेकर के अब जलंधर वाली लाइन की ओर बढ़ रहे हैं।
पे अपनी ट्रेन आकर पहुंची है रेल कोच फैक्ट्री हॉल्ट। यह है कपूरथला में ही। आप लोगों ने आरसीएफ कपूरथला के बारे में सुना ही होगा, जहाँ पे नए नए मॉडर्न कोचेज वगैरह बनाए जाते हैं। तो ये वही जगह है जहाँ पे आपने मॉडर्न 3S इकोनॉमी के कोच को भी बनते हुए देखा है, बाद में लॉन्च होते देखा है। तो अंदर ही है रेल कोच फैक्ट्री, यानी रेल कारखाना, इसीलिए इतना बड़ा एरिया जो है यहाँ पे ऑक्यूपाई किया हुआ है। मतलब सत्या भाई यूट्यूब करने से पहले क्या करते थे, तो भाई मैं फौज की तैयारी करता था और ऐसे में इंटरव्यूज़ वगैरह देने के लिए कपूरथला आया हूँ, आर्मी का SSB का इंटरव्यू देने। बहुत सारे लोग जानते होंगे जो डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, NDA की तैयारी कर रहे हैं, या और भी CDS वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, जो डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं वो जानते होंगे कपूरथला को, और इसलिए मैं भी यहाँ पे आया हूँ। और वैसे मैं जालंधर से बाई रोड आता था और जाने के टाइम ट्रेन से गया हूँ, दो बार यहाँ पे आया हूँ, एक बार कॉन्फ्रेंस आउट और एक बार स्क्रीन आउट हुआ हूँ। तो भाई ये कुछ कहानी रही है। उसके बाद मेरे पैर में इंजरी हो गई थी तो आर्मी के लिए एलिजिबल बचा नहीं, लेकिन हाँ तब तक अपना यूट्यूब चमक चुका था। मतलब ज़िंदगी में यही होता है कि कुछ ना कुछ अच्छा हमारे लिए लिखा होता है। यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन आज देख लो आप लोग घूमते हुए, इंडिया घूमते हुए कपूरथला वापस से पहुँचे हैं और आपको अपनी स्टोरी आप बीती यहीं पर आपके सामने सुना रहे हैं। चलिए मिलता हूँ आप लोगों से कपूरथला से डिपार्चर पर, क्योंकि अब अगला स्टॉप जो है जालंधर, वहाँ हम लोग उतरने वाले हैं। सामने वो जो लाइन आती दिख रही है ना आपको, वही अमृतसर की ओर निकल जाती है जालंधर सिटी से। खैर हमारी ट्रेन अभी जालंधर सिटी पहुंचने वाली है। समय देख लो आप लोग, 12:35 ऑलमोस्ट हो रहे हैं, यहाँ हमारे जालंधर पहुंचने का समय आ चुका है। शताब्दी एक्सप्रेस, देखिए अमृतसर वाली लाइन की ओर बढ़ गई है। अभी कुछ समय हम लोग भी दादर अमृतसर लेकर के बढ़ जाएंगे अमृतसर की ओर। तो यहाँ पे ऐसे नंबर जो लिखा होता है ना, ये प्लेटफॉर्म नंबर नहीं होता, ये ट्रैक नंबर होता है जो ऐसे सिग्नल्स में लिखा होता है। तो हमारी ट्रेन अभी तीसरे ट्रैक होते हुए प्लेटफॉर्म पे जाएगी।
कोचीवेली अमृतसर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी है और हम लोग फाइनली जलंधर शहर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे सोमनाथ एक्सप्रेस भी जो कि अहमदाबाद की ओर जा रही है उसके साथ अपनी क्रॉसिंग हो रही है, उसमें जेमडी लोकोमोटिव लगा हुआ है। लकीली हमारे ट्रेन में इतने नालकोस लगे हैं। हम लोग पहुंचे हैं जलंधर सिटी रेलवे स्टेशन और यहाँ हमारी जर्नी का एक स्ट्रेच जो है वो ख़त्म होता है। अभी जर्नी ख़त्म नहीं हुई, अभी हम लोग बढ़ेंगे अमृतसर की ओर और उसके लिए हम लोग ले रहे हैं मुंबई अमृतसर एक्सप्रेस। बहुत स्लो गाड़ी है, कछुआ गाड़ी है। हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं 12:45 पे, लगभग 2 बजे वो यहाँ पे आएगी। अमृतसर 3:30 दिन तक पहुँचा देगी, सफिशिएंट टाइम है। उसमें स्लीपर में करा रखा है क्योंकि जनरल में घुसने की हिम्मत नहीं थी। हमारी ट्रेन के निकलने का 140 रुपीज़ किराया पड़ा हमें उस गाड़ी का। चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर क्योंकि वो ट्रेन 1 नंबर पे आती है। तो भाई राजन भाई हमसे मिलने आए हैं, इंडियन रेल मुसाफिर वाले। और खाना देखो यार, ये सबसे बेस्ट चीज़ होती है, जिस भी शहर जाओ इतना अच्छा अच्छा खाने को मिलता है। और राजन भाई जैसे जो हमारे दोस्त हैं, थैंक यू भाई इतना स्वागत करने जाने के लिए। और इसके बाद हम लोग अमृतसर के लिए बढ़ने वाले थे, लेकिन पहले ये चीज़ जलंधर के फेमस छोले और स्टफ्ड कुलचे, इसको निपटाते हैं, आपसे जल्दी मिलते हैं। ये स्ट्रेच की जो गाड़ी है वो आ चुकी है, सौरव भाई की बैलगाड़ी मुंबई अमृतसर। कितने हॉल्ट वाली है? 57। बहुत हॉल्ट है, बकवास पैसेंजर। बकवास नहीं यार, ऐसे तो मत बोलो, रुकते रुकाते आती है लेकिन सभी लोगों को सुविधा देते हैं। स्ट्रेच की जो गाड़ी है वो भी आ चुकी है मुंबई अमृतसर। सौरव भाई की फेवरेट है ना? नहीं यार, केवल 75 जगह पे रुकती है बस, फास्ट पैसेंजर। इसमें फर्स्ट एसी लगा दो तो मैं इसमें जर्नी करूँगा, चिल जर्नी, पूरे पैसे वसूल। देखो ये रही बाकी हमारी सीट, लेकिन गाड़ी साफ सुथरी है, इतनी लंबी जर्नी करके आई है तो भी गाड़ी काफ़ी साफ सुथरी है। फिर मिलते हैं। तो भाई यहाँ राजन भाई से विदा लेते हुए हम लोग निकल चुके हैं जलंधर से, 2:20 बिल्कुल राइट टाइम। दूसरी तरफ आई थिंक ये कोई पैसेंजर ट्रेन है जो कि जलंधर सिटी पे खड़ी है, लेकिन एल्को ट्विंस लगे हुए हैं उसमें। ये फिरोजपुर तरफ जाने वाली है वाया कपूरथला। ट्रेन के अंदर कुछ ऐसी वाइब्स आती हैं स्लीपर कोच में। तो भाई लोग कुछ ऐसे चिल करते हुए अपनी जर्नी जो इस ट्रेन में चल रही है। सौरभ भाई उस जगह पे, सैंडी भाई गाने सुन रहे हैं, श्रेयांश फैला पड़ा हुआ है इसमें, मैं ऐसे ही इमरजेंसी विंडो पे मज़े लेते हुए। मतलब यहाँ पे अमृतसर शताब्दी अब अपनी वापसी की जर्नी को भी तैयार है और अब हम लोग जाकर पहुँच रहे हैं अमृतसर रेलवे स्टेशन। इसी के साथ ये लंबी जर्नी जो कि अहमदाबाद से शुरू हुई थी यहाँ आकर के ख़त्म होती है। पर यहाँ तक हमारा जो सफ़र रहा इस ट्रेन में काफ़ी कमाल का था। वैसे यहाँ से हम एक ऐसे सफ़र में निकलने वाले हैं जो बहुत ही अनोखा होने वाला है, यानी भारत पाकिस्तान के बॉर्डर की ओर। कल के सफ़र में आप देखेंगे अटारी वाली यात्रा, लेकिन इससे पहले यहाँ पे हमें बहुत सारे खुशमिजाज लोग मिले जिनके साथ मिल करके बहुत अच्छा लगा और एक ऐसी फीलिंग आई जैसे हम अपने परिवार में घुल मिल गए हों। और इसी के साथ ढलती हुई शाम के साथ हमारे जो सफ़र है यहीं पे ख़त्म होता है। मिलेंगे एक नई जर्नी में एक नई सुबह के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही मेरे साथ पूरे भारत का भ्रमण करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।